दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि मैं ओप्पो F7 की जो वीडियो की अनबॉक्सिंग है वो करने वाला हूँ। दोस्तों, ये है ओप्पो F7 का बॉक्स और ये स्लाइटी लिखा हुआ है ओप्पो, और ऊपर में मैं कुछ मिल जाते हैं सील्स, और इधर भी ओप्पो लिखा हुआ है बड़े डिज़ाइन के साथ। और ये आप कुछ देख सकते हैं पेपर वर्क से, मिसाल मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो आपको नहीं दिख पाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों प्लीज़ वोट कीजिए ऊपर आई पोल पे, ऊपर आई बटन पे ज़रूर वोट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा और कि आप और अनबॉक्सिंग की वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों, तो जैसे मैं आप देख रहे हैं, सील ब्रेक करने में थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि सील बहुत ही टाइटली पैक्ड है। चलिए अब दोस्तों, ये खुल ही गया है। वाह दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं जो ओप्पो F7 के जो फिगर है वो कितनी अच्छी लगती है। लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, और इसकी जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट मैंने प्राइम डे मतलब फ्लिपकार्ट शॉपिंग डेज में ख़रीदी है, तो मुझे 9,990 रुपीज़ की कुल पड़ी। आप देख सकते हैं दोस्तों, वैसे मुझे 3,000 रुपये सस्ते हैं बड़ी, बाद में इसके फ्लिपकार्ट की दाम बढ़ गई थी, फिर बाद में इसकी दाम घट भी गई थी। लेकिन मेरे पास ये जो कलर है इसका वो है ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर में, क्योंकि मुझे रेड उतना अच्छा नहीं लगता था इसलिए मुझे ब्लैक कलर में पसंद आया। और इसकी जो खासियत है वो तो आप सब जानते हैं, 25 MP AI कैमरा और इसमें MediaTek का हीलियो P60 है। मुझे MediaTek का प्रोसेसर पहले से ही पसंद है। क्वालकॉम का भाई, हाँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845, इसकी तो बात ही अलग है। तो चलिए हम ब्रेक करते हैं, खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं जो भी फ़ोन यूज़ करता हूँ वो मेरे पास है पैनासोनिक का LUR S700, जिसमें भी MediaTek का कुछ वही कोई ख़ास प्रोसेसर तो नहीं है MediaTek का, लेकिन वही 6757 है। पबजी नहीं खेल सकता लेकिन कम से कम एसफल्टा या टेयरबॉर्न तो चल ही जाता है बिना लैग के। लगता है उधर से फोर्स करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इसमें स्टाइलिश लुक लग रहा है वो इस बॉक्स के वो जो दोनों तरफ से लिखा हुआ है ओप्पो। वैसे अगर मुझे ओप्पो F7 और वीवो V9 को पर चुनना हो तो ये तो आप कोई भी बता सकता है कि ओप्पो F7 इज़ बेटर। दोस्तों, ये बॉक्स के ऊपर आसानी से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओप्पो, ओप्पो एंड ओप्पो, ओप्पो की ब्रांडिंग है। साइड में ओप्पो लिखा हुआ है, नीचे से कुछ खास नहीं है, बस तीन तरफ से ओप्पो लिखा। चलिए बॉक्स को ऊपर उठाते हैं और ये सबसे पहले जो हमें दिखता है वो है ये ओप्पो F7। तो जिस फ़ोन को कुछ वक्त के लिए साइड में रखते हैं चलिए, और बाकी देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। तो चलिए इसको कवर को हटाते हैं। तो ये हमें कुछ मिलता है, एक बॉक्स जिसमें कुछ होगा बेसिक पेपर वर्क और ओप्पो के कुछ स्टिकर्स, और एक इसमें केस भी है। तो चलिए बस को बाहर निकाल लेते हैं। और ये कुछ वारंटी मैनुअल्स और इंग्लिश पेपर वर्क्स हैं। और ये हमारे पास ओप्पो का फास्ट चार्जर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ नॉर्मल चार्जर है, 3 घंटे में मोबाइल को आराम से चार्ज कर देगा। मैं 3 घंटे मैंने अप्रॉक्स बताया, मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, नॉर्मल चार्जर है इसका चार्जर, लेकिन है काफ़ी हैवी। चलिए इसको अपने जगह पे वापस रख देते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ ईयरफोन्स वगैरह और कुछ USB टाइप A2A केबल्स, USB टू माइक्रो USB केबल्स हैं, इसमें कुछ खास तो नहीं है। तो अब चलिए, ये जो दोस्तों जो डायमंड एडिशन है मैंने वो परचेज किया था, डायमंड दोस्तों आप देख सकते हैं जो रेनबो कलर्स कैसे पीछे से नज़र आते हैं, और ओप्पो की ब्रांडिंग के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो कितनी कैसे अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं वो कितना शाइनेबल लग रहा है ओप्पो F7 का डायमंड कट एडिशन, वाओ इट्स मोस्ट लुकिंग, या ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इस पे कवर लगा देते हैं ताकि इस पे फिंगरप्रिंट ना पड़े, यानी मेरे उंगली का कोई निशान ना पड़े। चलिए हमने इस पे कवर लगा दिया है। दोस्तों देखने में तो काफ़ी प्रिटी कूल और बेस्ट लग रहा है फ़ोन, देखते हैं।
हो गया दोस्तों, अब चलिए इस फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं ये क्या है। इसके कुछ हार्डवेयर दोस्तों, इसमें मीडियाटेक का हेलियो P60 है, 4 GB रैम, 64 GB की स्टोरेज है और इसमें चुटर मुटर सारे सेंसर्स मिल जाते हैं। और बैक कैमरा 13 MP का है, फ्रंट कैमरा 25 MP का है, जो AI कैमरा है। इसमें एक नॉच भी है, नॉच में LED लाइट है, इंफ्रारेड सेंसर है, ईयर पीस है और कुछ कुछ। और ये क्या ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ, हाँ ये स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, इसमें कलर OS है। तो मैं एक स्टॉक एंड्रॉयड के बारे में अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। और चलिए हम लैंग्वेज सेट कर लेते हैं, लैंग्वेज में डाल देते हैं इंग्लिश, कनेक्ट टू वाईफाई स्किप कर देते हैं, फिर बाद में ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस स्किप कर देते हैं इसको, उसके बाद ये सब स्किप कर देते हैं, ऑफ़ कर स्किप कर देते हैं, बाद में इसको अच्छे से सेटअप करेंगे। उसके बाद चलिए इसमें फेस आईडी इसकी काफ़ी फास्ट है, तो वो मैं अभी इस वीडियो में टेस्ट नहीं करूँगा, उसका एक रिव्यू मैं लेकर आऊँगा तो मैं उसमें टेस्ट करूँगा। तो अभी इसमें वाईफाई स्टेट मुझे कुछ नहीं चाहिए, चलिए बाद में सब कुछ को स्किप करके मोबाइल को फास्टली बूट करते हैं। अब फास्टली ये बूट होने वाला है, 5, 4, 3, 2 सेकेंड्स में ये बूट होगा। कलर OS है, ओह ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसका OS कितना स्मार्ट है, लेकिन फ्लिपकार्ट से परचेज किया, लेकिन इसमें अमेज़ॉन की ऐप है और ये इसका स्मार्ट असिस्टेंट। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में फ़ोन, और 6 इंच हैं इसके फ़ोन, आप जाके देख सकते हैं। और बैटरी इसकी पूरी चार्ज नहीं दी गई है, और वाओ ये स्मार्टफोन दिखने में कितना कूल लग रहा है आप देख सकते हैं। कैमरा में भी हम इसको टेस्ट करेंगे दोस्तों। बस इसे सारे अपडेट्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।